खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर इस बार अलग ही तेवर में दिख रहे हैं। अभी हाल ही में वे धर्मशाला में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुनाते कैमरे में कैद हुए। वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। अब फतेहपुर में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कार्यक्रम मंच पर ही दवाई खाने गए वीडियो की क्लास लगा दी। यही नहीं, वीडियो की क्लास लगाते मंत्री को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद पत्रकारों पर भी किशन कपूर का गुस्सा सामने आया। उन्होंने एक पत्रकार का मोबाइल छीनकर वीडियो क्लिप तक डिलीट करवा दी। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर फतेहपुर में गृहिणी सुविधा योजना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान बीडीओ फतेहपुर कुछ देर के लिए कार्यक्रम से कहीं चले गए। जब वे वापस आए तो मंत्री उन पर जमकर बरसे। हालांकि बीडीओ ने मंत्री को बताया कि वे कुछ देर के लिए दवाई खाने गए हुए थे, पर मंत्री साहब ने उनकी एक नहीं सुनी, यहां तक कि बीडीओ को सरकार की धमकी तक दे डाली। मंत्री साहब का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने मोबाइल से वीडियो बना रहे एक पत्रकार का मोबाइल तक छीन लिया। फतेहपुर प्रेस क्लब ने इसका कड़ा संज्ञान लिया और रोष व्यक्त किया। में कार्यक्रम दौरान जिस तरह एक मंत्री द्वारा पत्रकार कर्मी का मोबाइल छीना गया, मीडिया कर्मी का मोबाइल छीना गया, वो एक दुखद घटना है। इससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे सीधा सीधा प्रहार कहा जा सकता है। प्रेस क्लब फतेहपुर इसकी घोर निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि ऐसे तानाशाह रवैये अपनाने वाले मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ताकि राजनीति में पहुंच रखने वाले लोगों की अपनी साख बरकरार रहे। इस पर शिवसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि मंत्री महोदय सत्ता के नशे में चूर होकर लोगों को धमकियां दे रहे हैं, जहां तक कि उन्होंने चौथे स्तंभ को भी नहीं बख्शा। रिपोर्टर ने आखिर मंत्री महोदय को ऐसी क्या कारगुजारी कैमरे में कैद कर ली कि उन्हें सत्ता के नशे में चूर होकर पत्रकार का वीडियो बनाते ही मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया। आज जैसा कि जहां पर किशन कपूर जी जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की, उनका फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक दौरा था। मुझे अभी अभी जी मेरे फेसबुक पे अभी अभी एक न्यूज मेरे पास पहुंची थी, जहां पर किसी उच्च अधिकारी वो क्लास लगा रहे थे, वो भी पब्लिक प्लेस में। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उच्च अधिकारी ने कि उनकी पब्लिक प्लेस पे उन्होंने क्लास लगा दी और सरकार का खौफ दिखाया उन्होंने। दूसरी बात कि पत्रकार ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था, अगर वो आपकी कवरेज कर रहा था कि उसका उन्होंने कैमरा छीन लिया, उसका उन्होंने मोबाइल छीन लिया, उसकी जो वो वीडियो बना रहा था वो वीडियो डिलीट कर दी। ऐसा उस वीडियो में क्या था कि भारत के चौथे स्तंभ जो पत्रकार, जिनकी हम पूरी इज्जत मान निष्ठा से इज्जत मान करते हैं, जे सरासर एक अन्यायपूर्ण निंदनीय कार्य किया है किशन कपूर जी ने, और मैं चाहूंगा कि किशन कपूर जी इसके लिए सार्वजनिक तौर पे पत्रकारों से माफी मांगे, और खासकर जिन उच्च अधिकारियों की वो क्लास लगा रहे थे। हमें नहीं पता वो गलत थे सही थे, लेकिन हमारे सुनने में ये आया है कि वो उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट की वजह से वो अधिकारी दवाई ले रहे थे। अगर वो समय पे वहां पे नहीं आए तो ऐसी कोई आफत नहीं आ गई थी, लेकिन फिर भी सरकार का रोब दिखा के, क्योंकि मैंने वीडियो में अभी देखा है कि वहां पर किशन कपूर जी बोल रहे हैं कि सरकार से बुरा कोई नहीं होगा, तो ये गलत बात है। पब्लिक प्लेस में किसी प्रशासन अधिकारी की इंसल्ट करना, इसे शिवसेना कड़ा संज्ञान लेगी, और आने वाले समय में अगर मंत्री महोदय ने अपना जो रवैया नहीं संभाला तो आने वाले समय में मेरे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी उनका दौरा होगा तो हम उनका विरोध करेंगे, उनका घेराव भी करेंगे। आपको बता दें कि बीडीओ अरविंद गुलेरिया का हाल ही में शिमला जाते हुए एक्सीडेंट हुआ था। हादसे के बाद अभी तक कुछ दिन पहले ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है। हादसे में घायल हो जाने के चलते अभी भी वे दवाइयां खा रहे हैं।